हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडे आवर मैथ्स क्लास चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 3 से करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग टर्म्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रीनोमियल और पॉलीनोमियल्स। बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्रीनोमियल टर्म्स क्या होती हैं? व्हेन एन एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैज वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल एंड टू टर्म्स binomial, has three terms trinomial, more than two or three terms is called polynomials। first part है हमारा 3x plus y। terms जो है वो separate किसके according होती है? plus और minus sign के according होंगी। तो इसमें two terms है हमारे पास, 3x and y। then 3x plus y two terms, it means ये क्या हो गया हमारे पास? binomial। second है x square plus क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस नाइन, टू टर्म्स हैं बाइनोमियल। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन, टर्म्स हैं वन टू थ्री एंड फोर, फोर टर्म्स हैं मोर देन थ्री टर्म, इट मीन्स पॉलीनोमियल। लास्ट पार्ट है 17 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में फाइव, इट मीन्स जो इसमें टर्म्स को सेपरेट करता है वो प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग होती है ओनली। तो इसमें टर्म्स कितनी है? वन ही टर्म काउंट होगी। तो ये है मोनोमियल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ऐड द फॉलोइंग, ऐड करना है सभी नंबर्स को सेपरेट, अलग अलग टर्म्स गिवन है। फोर्थ पार्ट को सोल्व करते हैं। माइनस थ्री बाय सेवनटीन एक्स वाई जेड प्लस फोर बाय फाइव जेड वाई एक्स प्लस एट बाय थ्री वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सेवन बाय सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमें इसमें चेक करना, देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड है, लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते। लाइक टर्म्स में इस माइनस थ्री बाय सेवनटीन एक्स वाई जेड लाइक किसके साथ है? फोर बाय फाइव वाई जेड वाई एक्स के साथ है। एंड एट बाई थ्री वाई स्केयर एक्स स्केयर, इसके साथ जो लाइक टर्म्स है वो है माइनस सेवन बाय सिक्स एक्स स्केयर वाई स्केयर। अब माइनस थ्री बाय सेवनटीन और फोर बाय फाइव को ऐड करेंगे। माइनस थ्री बाय सेवनटीन, फोर बाय फाइव ऐड करेंगे दोनों को बाय टेकिंग एलसीएम, 85 एलसीएम, 17 को 85 से डिवाइड करेंगे, फाइव फाइव थ्री जा 15, माइनस 15 प्लस फाइव को डिवाइड करेंगे 85 से 17, 17 को 4 से मल्टीप्लाई 68, इट मीन्स हमारे पास आ गया 53 अपॉन में 85। ये आ गया 53 अपॉन में 85 एक्स वाई जेड प्लस। अब 8 बाई थ्री में प्लस माइनस क्या होती है? माइनस 8 बाई थ्री माइनस 7 बाय 6, 6 क्या होगा? एलसीएम 3 टू जा 6, 2 8 जा 16, माइनस 6 1 जा 6, सेवन को वन से मल्टीप्लाई किया 7, सिक्स माइनस 7 16, माइनस 7 9, 9 बाय 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये कैंसिल हो सकता है हमारा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो हमारा आंसर क्या होगा? 53 अपॉन में 85 एक्स वाई जेड प्लस 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एंड जो पार्ट्स रह गए हैं डू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉलम वाइज। क्योंकि इसमें हमारे पास सिंगल सिंगल टर्म्स को ऐड नहीं करना है, हमारे पास कंप्लीट पॉलीनोमियल है, उन्हीं को अलग अलग को ऐड करना है। तो उसमें ऐड कैसे करना है? कॉलम मेथड से करना है। कॉलम मेथड क्या होता है? क्वेश्चन नंबर
लास्ट पार्ट फोर्थ सोल्व करते हैं हम, वो है 2p फोर्थ पार्ट। देखो यहाँ से लिखेंगे 2pqr माइनस 7p² qr प्लस 4pqr² फर्स्ट पॉलिनोमियल यहाँ तक है। सेकंड है 8qrp² माइनस 3pqr² प्लस 4pqr एंड थर्ड पॉलिनोमियल है माइनस 4p² qr प्लस 7pqr माइनस 7r² pq। ऐड करेंगे, लिखेंगे 2pqr माइनस 7p² qr प्लस 4pqr². फर्स्ट पॉलिनोमियल को लिखा हमने, अब जो सेकंड है उसमें लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ही लिखना है। जैसे नेक्स्ट टर्म में है 8qrp² तो ये 8qr ये स्केयर है तो इसमें लिखेंगे प्लस का है 8, तो इसके साथ लिखेंगे 8, इसको सीधे करके लिख सकते हैं p² qr। नेक्स्ट है माइनस 3pqr² माइनस 3pqr² एंड नेक्स्ट है 4pqr प्लस 4pqr। थर्ड है हमारे पास ये पार्ट माइनस 4p² qr माइनस 4p² qr प्लस 7pqr 7pqr एंड नेक्स्ट है माइनस 7r² pq माइनस 7r² pq। तो सबसे पहले हमें लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के लाइक टर्म्स को ही आपस में एक साथ लिखना है कॉलम मेथड के लिए। अब हमें इनको ऐड करना है, ऐड करेंगे हम 4, 3। अब यहाँ पर देखो ये माइनस है ये भी माइनस है, ये क्या है प्लस, माइनस माइनस क्या होगी प्लस, बट साइन माइनस का तो 7, 3, 10 माइनस का 10 प्लस का 4 यहाँ पर लिख लेते हैं। ये आ गया माइनस 10 प्लस 4 तो क्या आ गया हमारे पास माइनस का 6pqr². नेक्स्ट है p² qr के टर्म माइनस 7 माइनस 4 माइनस का 11 प्लस का क्या है 8 तो माइनस प्लस क्या होती है माइनस, साइन माइनस का आएगा 11 माइनस 8 3 माइनस 3p² qr। एंड नेक्स्ट में तीनों ही टर्म्स हमारे पास क्या है पॉजिटिव है तो 4, 2, 6, 6 और 7 4, 2, 6, 6, 7, 13 तो ये कितना आ जाएगा 13pqr। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया फर्स्ट कॉलम मेथड से। एंड रेस्ट ऑफ पार्ट दिस क्वेश्चन डू योर सेल्फ।